हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल फाइव स्टार क्लासेस में। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कल मैं नहीं था, जैसा कि आप लोगों को दीपक सर ने बताया होगा, ठीक है। तो उन्होंने कल का क्लास लिया था, ठीक है, तो मैं दीपक सर को थैंक यू करना चाहूंगा। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस लोकसभा के महान सचिव नियुक्त किया गया, हाल ही में किस व्यक्ति को लोकसभा का नया महा सचिव जो है नियुक्त किया गया है, किसका, लोकसभा का। तो आपका ऑप्शन है ओम बिड़ला, स्नेहलता श्रीवास्तव, उत्पल कुमार सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। किन व्यक्ति को महासचिव जो है लोकसभा का नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, उत्पल कुमार सिंह को क्या किया गया है, लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद बता दूं, जो अभी तो इन्हें नियुक्त किया गया, इनसे पहले जो है लोकसभा के महासचिव कौन थे, तो वो थे स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव, और इन्हीं का जो है ये स्थान लेंगे कौन, तो आपका उत्पल कुमार सिंह। तो ये कब लेंगे पदभार? तो ये लेंगे 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 2020 को। कब लेंगे? 1 दिसंबर 2020 को जो है स्नेहलता श्रीवास्तव का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जो है उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा का महासचिव नियुक्त किए हैं और वो स्थान ले लेंगे। उसके बाद बता दूं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है ओम बिड़ला। क्या नाम है? लोकसभा का अध्यक्ष क्या है, किसका नाम है? ओम बिड़ला, ठीक है। और आपको लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, और स्नेहलता जो है उनका कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है। ये जो है उत्पल कुमार सिंह, ये जो है ये आपको बता दूं कि ये उत्तराखंड 1986 के कैडेट के, ठीक है, 1986 कैडेट बैच के आईएएस अधिकारी, ठीक है, उत्तराखंड 1986 कैडेट के आईएएस अधिकारी है। कौन थे? तो उत्पल कुमार सिंह, और इन्हें ही नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार प्रज्ञा पहल, कौन सा पहल, सहकार प्रज्ञा पहल का शुरुआत की। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार प्रज्ञा पहल का क्या किया, शुरुआत की है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर, एस जयशंकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, या फिर रमेश पोखरिया। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है अभी क्या है, तो ये जो है केंद्रीय कृषि कल्याण विकास मंत्री, ठीक है, इनके बहुत सारा पद है, कृषि मंत्री है ये, कल्याण विकास मंत्री भी है, ग्रामीण विकास मंत्री है, ठीक है। तो ये जो है नरेंद्र सिंह तोमर, ये केंद्रीय कृषि कल्याण विकास मंत्रालय है, इन्होंने ही जो है सहकार प्रज्ञा पहल का शुरुआत किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बारी बारी से बता देना चाहता हूँ, जैसे कि एस जयशंकर हैं, ये अभी क्या है, तो ये हैं भारत के विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर। उसके बाद बता दूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री है, क्या है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। और रमेश पोखरियाल क्या है, तो ये है शिक्षा मंत्री, क्या है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि इनमें से किस खिलाड़ी ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता, इनमें से किस खिलाड़ी ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता? तो आपका ऑप्शन दिया गया है मैक्स वेरस्टैपेन, अलेक्जेंडर एलोन, लुइस हैमिल्टन, या फिर सेबेस्टियन विटल। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने एक बार फिर जो है जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो है खिताब अपने नाम किए हैं। तो ये जो है इनका इस साल का 11वां खिताब है, ठीक है, 2020 का इनका 11वीं खिताब है। और पूरा जो मैं बता दूं कि इनका जो खिताब है पूरा, मतलब करियर का, ठीक है, पूरा करियर का इनका जो खिताब है वो है 95वां, ठीक है, कौवा था 95वां जो है, पूरा करियर का खिताब है। और ये जो 2020 का 11वां है,
तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो लुइस हैमिल्टन, ठीक है। तो और लुइस हैमिल्टन जो यह है किस देश के, तो ये है ब्रिटेन के, किस देश के है, ब्रिटेन देश के है, कौन, तो लुइस हैमिल्टन। उसके बाद मैं बता दूं कि ये तो विजेता है, तो फर्स्ट जो ये हुए तो सेकंड और थर्ड नंबर पर कौन से व्यक्ति थे, तो उनका भी नाम आता है मैक्स वेरस्टैपन। मैक्स वेरस्टैपन जो है ये है नीदरलैंड के, किस देश के हैं, नीदरलैंड के, ठीक है। और ये जो है नीदरलैंड के जो है ये तो इन्होंने ही जो है सेकंड नंबर पर है। और अलेक्जेंडर एल्बोन जो है ये जो है आपको थाईलैंड के हैं, कहाँ के हैं, थाईलैंड के, ये जो है थाईलैंड के हैं और ये तीसरे नंबर पर हैं और ये प्रथम स्थान पर हैं। और 2020 का 11वां खिताब है जो सबसे ज्यादा खिताब लुइस हैमिल्टन ने अपने नाम किया है, या तो पूरा कैरियर में बोले या फिर आप एक ईयर्स में बोले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल नामक एक बुक है, नई पुस्तक है, जिसका क्या किसने जारी की है, इसको किसने जारी किया है, क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल नई बुक है जिसका जो है किसने जारी किए हैं, तो आपका ऑप्शन दिया गया विश्व बैंक ने, एडीबी बैंक, आरबीआई या फिर आईआरडीएआई ने, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है, इसका मुख्यालय है कहाँ, मनीला में है। और जो है इसके एडीबी के जो अध्यक्ष हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं, तो एडीबी के अध्यक्ष कौन है, मात्सुगु ओसकावा, कौन है, मात्सुगु ओसकावा, मात्सुगु ओसकावा जो है एडीबी के अध्यक्ष है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1966 को हुआ था, एडीबी बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर कि बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, BOARDER, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। बीएसएफ का 56वां जो है स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया, किस दिन बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो आपको ऑप्शन दिया गया है 28 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को जो है बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। और जो है हर वर्ष जो है 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है, तो इस बार 56वां बीएसएफ दिवस था, ठीक है। तो ये जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है ये मनाया कब से जाता है, तो भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक युद्ध और भारत चीन युद्ध के बाद जो है बीएसएफ का स्थापना किया गया। कब स्थापना किया गया, तो 1 दिसंबर 1965 को, भारत पाक और भारत चीन युद्ध के बाद जो 1 दिसंबर 1965 को स्थापना किया गया। और 1 दिसंबर 1965 से ही हर वर्ष जो है 1 दिसंबर को ही जो है बीएसएफ दिवस मनाया जाता है, तो इस बार जो है 56वां स्थापना दिवस था। तो आइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे आगे। तो आइए फटाफट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं कि हाल ही में एक प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी, हाल ही में एक प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी जिनका नाम है पापा बो उबा, क्या नाम है उनका, पापा बो उबा का निधन हो गया, तो वह किस देश के खिलाड़ी हैं, तो आपको ऑप्शन दिया गया है सूडान, सेनेगल, रूस या फिर जर्मनी, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका सेनेगल, ठीक है। सेनेगल जो है देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी थे पापा बो उबा, जिनका निधन हो गया है। इनका भूमिका थी कि 2002
के फुटबॉल विश्व कप में, ठीक है, फुटबॉल विश्व कप में जीत दिलाने के में इनका जो है अहम भूमिका रहा। इनका पापा बहुबा और उसी समय 2002 में सेनेगल जो है फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 30 नवंबर। किस तिथि को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में लगभग आता ही है विश्व एड्स दिवस, तो इसे याद रखेंगे कि विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है, तो एच आई वी जो से में से HIV के खिलाफ जो है जागरूक होने के लिए, एकजुट होने के लिए, HIV के खिलाफ एकजुट होने के लिए या जागरूक होने के लिए जो है हर वर्ष 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि सबसे तेज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। सबसे तेज, हाल ही में सबसे तेज 22,000 रन पूरा करने वाले पूरा अंतरराष्ट्रीय में क्रिकेट में किस खिलाड़ी का नाम है, तो आपका ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। विराट कोहली जो है अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरा पर गए हुए हैं और वहीं पर इन्होंने अपनी 462वीं पारी में, कौन सी 462वीं पारी में जो इन्होंने अपना ये 22,000 रन जो है सबसे तेज पूरा किए हैं पूरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। तो बात बता दें आपको, या फिर एक दिवसीय हो या फिर T20 हो या फिर टेस्ट मैच हो, ये तीनों फॉर्मेट को मिला करके अंतरराष्ट्रीय पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोला जाता है और उसमें 22,000 रन पूरे किए हैं कितने पारी में, तो सिर्फ 462वीं पारी में। ठीक है, इनसे पहले कौन कौन खिलाड़ी थे, तो इनसे पहले सचिन तेंदुलकर जिन्हें क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है, इन्होंने यह उपलक्ष्य जो है कब हासिल किए थे, तो 493वां पारी में कब 493वां पारी में 22,000 रन बनाए थे। और इनके बाद 3rd नंबर पर आते हैं ब्रायन लारा, ये जो है वेस्ट इंडीज खिलाड़ी हैं और इन्होंने 511 पारी में जो है इतना रन पूरा किए थे। और इसके बाद मैं खिलाड़ी का और नाम बताना चाहता हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग, कौन है रिकी पोंटिंग, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है और ये बहुत ही सफल कैप्टन भी हैं थे। तो इन्होंने जो है यह उपलब्ध जो है कब हासिल किए थे, तो 514 पारी में। ठीक है, कितने पारी में, 514 पारी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर कि किस शहर में खोला गया अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट। किस शहर में खोला गया अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है हांगकांग, दुबई, सिंगापुर या फिर थाईलैंड। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुबई। दुबई में जो है हाल ही में खोला गया है कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ खोला गया है, दुबई में। और दुबई है किस देश में, तो UAE में है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात में है दुबई, और दुबई में ही कोयला आधारित पावर प्लांट जो है खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारत और किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, भारत और किस देश पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए हाथ मिलाया, सहयोग को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया भारत और किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में, तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। तो आपका ऑप्शन है थाईलैंड, फिनलैंड, इंडोनेशिया या फिर कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाए, भारत और फिनलैंड जो है दोनों देशों ने जो है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को विकसित करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन था आज का इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लेकर के आया था, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चाहे जो भी एग्जाम हो। ठीक है,
तो जो हमारा चैनल है फाइव स्टार क्लासेस, इसलिए जितना जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।